सो हेलो एवरीवन। सो पिछले वीडियो में हमने सीखा कि हम किस तरह से एक एडिट टेक्स्ट बनाएंगे, उसको उस एडिट टेक्स्ट के अंदर डेटा डालेंगे और उसको लिस्ट में ऐड करेंगे। सो आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से दूसरे एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, सो कोरास में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। सो इस पे आप देख सकते हैं कि हमने एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाया हुआ है। फ्लोटिंग एक्शन बटन बेसिकली एक बटन होता है जो कि एक बॉटम में एक फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ एक बटन, एक ऐसा बटन जिस पर क्लिक करने से कोई एक्शन हो, कोई कुछ परफॉर्म हो, उसको हम फ्लोटिंग एक्शन बटन कहते हैं। और ज्यादातर हम ये कॉर्नर पे यूज करते हैं। सो जो ये कॉर्नर है इस पे हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक बटन आएगा। सो यहाँ पे हम एक नेविगेट का आइकन भी यूज कर रहे हैं। सो इसके बाद हमने एक क्लास बनाई हुई है जिसका नाम है सेकंड स्क्रीन। ठीक है, ये है सेकंड स्क्रीन। इसके अंदर अगर हम कंट्रोल दबाकर स्क्रीन के अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ऐसा हमारे पास व्यू बन के आ रहा है। ठीक है, सो हम पहले इसको मिनिमाइज कर देते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मटेरियल डॉट डॉट को भी इंपोर्ट कर रखा है और एक नया सेकंड स्क्रीन हमने एग्जीक्यूट कर रखा है। ठीक है, अब इस क्लास को मेन डॉट के अंदर हम कॉल करेंगे और यहाँ से हम उसको पूरा का पूरा नेविगेशन हैंडल करेंगे। ठीक है, अब जैसे इस क्लास के अंदर गए तो ये पूरा क्लास एक हमने बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने जैसा कि स्कैफोल्ड, इसके अंदर भी हमने रिटर्न किया हुआ, इसके अंदर एक प्रोफाइल पेज है, मतलब एक ऐप बार है जिसका टाइटल होगा प्रोफाइल पेज। ठीक है, उसके बाद हमने बॉडी में सेंटर दे दिया, कॉलम दे दिया और चिल्ड्रन दे दिया, इसके चाइल्ड कितने होंगे। सो इमेज का जो एसेट है वो एसेट कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। सो एसेट के लिए क्या करना है, एक एसेट नाम का फोल्डर बनाना है, उस एसेट के अंदर हमें एक इमेज को डालना है। ठीक है, तो इस फोल्डर के अंदर हमने ये प्रोफाइल डॉट आई सी डाली हुई है। ठीक है, तो ये प्रोफाइल डॉट आई सी हमने पूरा का पूरा यहाँ पर लोकेशन दे रखा है, उसको हमें यूज करने के लिए ना ये पब स्पेक डॉट वाई एम एल क्लास के अंदर भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने एक एसेट नाम से एक वेरिएबल बनाया हुआ है, इस वेरिएबल के अंदर हमने पाथ दी हुआ। ठीक है, कि इमेज के अंदर ही सारी के सारी जो भी प्रोफाइल है, चाहे कुछ और भी आइकन अगर आप यूज करना चाहते हैं तो मल्टीपल आइकन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे डायरेक्ट हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं, हमें पहले उसको वहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसको यहाँ यूज कर सकते हैं। तो इसके हाइट और विड्थ दे दी हमने, उसके बाद साइज दे दिया, टेक्स्ट में दे दिया हमने, कुछ नाम दे दिया, उसके बाद हमने एक और साइज बॉक्स बनाया जिसमें 8 दे दिया और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सब, उस टाइटल सब टाइटल दे दिया। उसके बाद हमने कुछ डेटा डाल दिया जो कि हमें एक नॉर्मल प्रोफाइल के अंदर चाहिए होता है। तो एक ये हो गया कि सबसे पहले हम मेन में जाएंगे। मेन में जाने के बाद जैसे मेन एग्जीक्यूट होगा ना, उस मेन के अंदर माई ऐप एग्जीक्यूट हो रहा है, उस माई ऐप के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है माई होम पेज, उस माई होम पेज के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है बेसिकली ये वाली क्लास। सो जब ये क्लास एग्जीक्यूट हो रही है, ये बेसिक यूआई के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो इसके अंदर जब भी हम करते हैं ना, तो इसमें नेविगेशन किया हुआ है, इस नेविगेशन के अंदर हमने जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो एक इसका ऑब्जेक्ट बनता है सेकंड स्क्रीन नाम से। तो ये सेकंड स्क्रीन जो है वो हमने क्लास बनाई हुई है, इस क्लास का पूरा एग्जीक्यूशन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरा का पूरा नेविगेशन होगा। इस तरह से हम मल्टीपल क्लासेस, मल्टीपल यूआईस को हम एक ही अलग अलग क्लासेस के अंदर हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, सो ऐसी पूरा सिस्टम है। तो अब हम देखते हैं कि इस तरह से हम इसका यूज करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करके एक बार देखते हैं कि किस तरह की यूआई हमारे पास आती है। सो सबसे पहले हम यहाँ गए, हमने रन किया। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर हम कुछ डेटा को डालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डाल दिया, मान लो डाल दिया अब ऐड। ठीक है, हमने कर दिया ऐड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट में ऐड हो। अब हमें क्या करना है कि जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे ना, तो हमें एक दूसरे स्क्रीन पे जाना है। तो हमारा ये वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा main.dart के अंदर। ये पूरा फ्लोटिंग एक्शन बटन पर क्लिक होगा, इसके अंदर पूरा का पूरा लॉजिक इम्प्लीमेंट होगा और हम दूसरे स्क्रीन पर जाएंगे। सो हमने कर दिया क्लिक, अब हम आ गए दूसरे स्क्रीन पर। देखिए, जैसा कि हमने एक टाइटल दे रखा हुआ है यहाँ पे कि प्रोफाइल पेज है, नेम जो है जॉन डोई और सॉफ्टवेयर डेवलपर और एक लोअर मिस्टर कुछ डिटेल्स उसके। ठीक है, सो ये अभी डीबग मेथड में है। सो अब हम देखते हैं कि इस तरह से हम पूरे पूरे क्लास को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और अब भी अगर किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है, ऐसे किसी सैम्पल प्रोजेक्ट या फिर असाइनमेंट में आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारे दिए गए ईमेल आईडी पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपका धन्यवाद।